Good afternoon, students. I am Rita Sharma from Lyal Public School, Bikaner. Your Hindi teacher. बेटा आज हम कक्षा छठी में हिंदी व्याकरण एवं रचना के अंदर पाठ 9 संज्ञा पढ़ रहे हैं. संज्ञा इस नाम से आप परिचित हैं. तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. संसार में हर वस्तु, हर स्थान, हर व्यक्ति और हर भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिससे उसकी पहचान है. वही नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है. तो संज्ञा की परिभाषा अगर हमसे कोई पूछ ले तो हमें क्या बतानी है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, हम उन चित्रों का अध्ययन करते हैं. जैसे देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, सूर्य की लालिमा देखी, रॉकेट जैसे ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा तो लोग खुशी से झूम उठे. अब देखिए यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता, ये किसी के नाम है, ठीक है. वन है वो जगह का नाम है, सूर्य है वो नाम हो गया ना, मतलब विशेष व्यक्ति, मतलब विशेष चीज का नाम हो गया. नेक्स्ट देखिए आप, लालिमा, लालिमा भाव हो गया. इसी तरीके से देखिए रॉकेट वस्तु हो गई, आकाश ऊंचाइयों, खुशी, लोग, ठीक है. तो ये सब चीजें क्या है? ये है संज्ञा. इसमें किसी व्यक्ति का भी नाम आता है, किसी वस्तु का भी नाम आता है, किसी स्थान का और किसी भाव का. तो इस आधार पर हम तीन प्रकार की संज्ञा के भेद पढ़ेंगे. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन. व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन. जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन. भाववाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, नेक्स्ट देखिए. व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति का ही नाम हो. व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है विशिष्ट, विशेष. यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी विशेष व्यक्ति हो, चाहे विशेष वस्तु हो और चाहे विशेष स्थान, मतलब विशेष का जो बोध कराती है वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति थे, ताजमहल विशेष स्थान है, कुतुब मीनार स्थान विशेष स्थान है, गीता विशेष पुस्तक है, गुरु नानक विशेष व्यक्ति है, बाहुबली विशेष व्यक्ति के लिए बताया गया है. तो इस प्रकार विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के बारे में जहां हमें पता है तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है. यहाँ देखिए नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे आगरा, कुतुब मीनार, गुरु नानक, भगवत गीता, बाहुबली और महात्मा गांधी. तो ये सब चीजें क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष वस्तु है, विशेष स्थान है. तो ये क्या कहलाएगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब आप समझ गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान. इसमें आपके भाव इंक्लूड नहीं होगा. नेक्स्ट अपनी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा. देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध हो. जैसे खरगोश, अब खरगोश में छोटा खरगोश भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब उसकी अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो उसकी जाति क्या हुई कि वो खरगोश है, ठीक है. इसी तरीके से लड़का, लड़का क्या हो गई उसकी संपूर्ण, जैसे जैसे बहुत सारे बच्चे राम, श्याम, सुरेश, महेश, है ना, तो इनको अपन बोल देते लड़का, लड़की, है ना, तो उनकी जाति का बोध हो गया. अब मैं कह दू रमा, तो रमा क्या हो गई? व्यक्ति का नाम ले दिया ना मैंने, किसी विशेष लड़की का नाम दे दिया रमा, तो किस में जाएगी? व्यक्तिवाचक. और ये मैं कह दू ये लड़की बहुत सुंदर है, तो लड़की, तो वहां किस में आएगी? लड़की शब्द किस में जाएगा? जातिवाचक. इसी तरीके से मैं कह दू ताजमहल, ताजमहल अपने जाएगा व्यक्तिवाचक में. अगर ताजमहल की जगह में लिख दू दर्शनीय स्थल, वो अपना जाएगा जातिवाचक संज्ञा. देखिए खरगोश, मुर्गा, लड़का, गांव, सड़क, कुर्सी, मेज, किताब, घर, नदी, तालाब, पर्वत आदि क्या है? जातिवाचक संज्ञा है. अब देखिए किताब में गीता, महाभारत, रामायण, ये सब क्या फेमस बुक है? चंपक, है ना, कोई भी बुक्स हो तो
तो वो अगर हमने पर्टिकुलर बुक्स का नाम दे दिया तो वो किसमें जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और हम सिर्फ लिखेंगे पुस्तक या किताब तो वो क्या जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट देखिए नदी, नदी में गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, अगर ऐसे अपन बोलते हैं तो वो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और जहां हम बोलते हैं नदी या नदियां तो वो आता है आपके जातिवाचक संज्ञा में। इसी तरीके से देखिए पर्वत, पर्वत किसमें है, जातिवाचक संज्ञा में, और अगर मैं बोलूं हिमालय पर्वत तो वो किसमें जाएगा, अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यस देखिए जातिवाचक संज्ञा के हम दो भेद स्वीकार करते हैं, कुछ लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक नाम से भी दो भेद मानते हैं, परंतु ये दोनों भेद किस भेद के अंतर्गत ही आते हैं, जातिवाचक, इनके अलग से ही भेद नहीं होते समूहवाचक और द्रव्यवाचक। देखिए समूहवाचक क्या होता है, कोई प्राणी या वस्तुओं का कोई समूह या झुंड क्या कहलाता है, समूहवाचक। समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप, तो किसी भी मतलब प्राणी या फिर वस्तुओं का जो बंच या ग्रुप होता है, जो समूह होता है, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत आती है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। अगर हम एग्जाम में अगर अपने आ जाता है तो अगर हम इनको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा, प्राणियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दल, सेना, झुंड, गिरोह, मंडली, कक्षा, समिति, पुंज आदि। अब देखिए कक्षा, कक्षा से ही मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको अधिक क्लियर हो जाए संज्ञा, सॉरी कक्षा। जैसे आपकी क्लास है, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, तो आपको पर्टिकुलर क्या नाम दे दिया गया, कक्षा छठी, वो दिया गया कक्षा। तो कक्षा क्या है, आपका समूह है, मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों का जब एक समूह बन जाता तो उसको कक्षा बोल देते हैं, ठीक है। कक्षा रूम को नहीं बोलते, सिर्फ वो तो रूम होता है, कक्षा किसको बोलते हैं, जो बच्चों का एक समूह होता है, एक दल होता है, ग्रुप होता है, तो उसको कक्षा नाम दे दिया जाता है। इसी तरीके से झुंड, गायों का झुंड, बैलों का झुंड, सेना, सेना क्या होती है, बहुत सारे फौजियों का जो दल होता है उसको सेना टुकड़ी बोलते हैं, ठीक है। पुंज, पुंज यानी जैसे प्रकाश का पुंज यानी तेज, प्रकाश इकट्ठा होता है उसको प्रकाश पुंज। तो ये सब क्या होता है, समूह है या दल होता है, उसको पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाता है, तो उसे भी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और समूहवाचक संज्ञा हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट देखिए आप द्रव्यवाचक संज्ञा, माप तोल वाले द्रव्य, पदार्थ और धातु द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनको माप सकते हैं, जिनको तोल सकते हैं, और ऐसे द्रव्य पदार्थ और धातु, धातु यानी सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये तो सब हो गए आपके धातु। द्रव्य पदार्थ जैसे आपके पदार्थ, द्रव्य पदार्थों में जैसे आपके चीनी, चावल, दाल, ये सब क्या होगी, ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी। इनको हम नाप तोल सकते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट अपना आता है भाववाचक संज्ञा, किसी गुण, भाव, दशा, स्थिति अथवा विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती, किसी गुण, भाव, दशा, स्थिति अथवा विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हर्ष, हर्ष यानी खुशी, खुशी क्या होती है, हमारे अंदर का भाव ही तो होता है। शोक यानी शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना। भय, निर्भयता, प्रसन्नता, सुंदरता, पुरुषता, घृणा, बनावट, सजावट, बचपन, बुढ़ापा, घबराहट, महत्व, तेजी, गरीबी, अमीरी, बीमारी, शक्ति, कमजोरी आदि के भाव होते हैं। नीचे दी गई भाववाचक संज्ञाओं को चित्रों के साथ मिलान कीजिए, तो इस तरीके से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अगर हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमें क्या होती है, खुशी होती है, खुशी का भाव होता है ना। बहुत ज्यादा हम कमजोर हो रहे हैं तो कमजोरी का हमें क्या होता है, भाव होता है। तो इस तरीके से ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा बनाना। अब भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बनती है वो हम यहाँ बनाएंगे। देखिए जातिवाचक संज्ञा, बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, तो बच्चा से क्या शब्द बना, बचपन।
बालक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बालक से क्या बना भाववाचक संज्ञा? बालक। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़ा से क्या बना? बूढ़ापा। इसी तरीके से देखिए मनुष्य, मनुष्य से क्या शब्द बना? मनुष्य। आगे देखिए पशु से बना पशुता, दानव से बना दानवता, मानव से बना मानवता, देव से देवत्व, नौकर से नौकरी, खट्टा से खटास, मधुर से मधुरता, हंसना से हंसी, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता या मैत्री, शत्रु से शत्रुता, नारी से नारीत्व, पुरुष से पुरुषत्व, दास से दासत्व या फिर दासता, मूर्ख से मूर्खता, शिशु से शिशुता, मीठा से मिठास, पढ़ना से पढ़ाई, हरा से हरियाली, अच्छा से अच्छाई। तो देखिए संज्ञा के भेद जब हम पढ़ते हैं तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के दो भेद हमने पढ़े, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब बुक की एक्सरसाइज हम करते हैं, तो बुक की एक्सरसाइज में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमें छाटनी है। गुरुकुल, श्री कृष्ण, सुदामा, गुरु माता, जंगल, लकड़ियां, मित्र, खुशी खुशी, मित्रता, वन, वृक्ष, चुपचाप, मित्र, हैरान, हैरान से हैरानी, झूठ। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन कौन सी आएगी इसमें? सुदामा, श्री कृष्ण, है ना, स्थान, और स्थान का नाम जैसे ये गुरुकुल, जंगल, ये तो सब किसमें आएंगे? जातिवाचक में। अब गुरुकुल विशेष, कोई गुरुकुल का हमें बताया नहीं कि कौन सा गुरुकुल, तो गुरुकुल, जंगल, वन, वृक्ष, ये सब आएंगे हमारे जातिवाचक संज्ञा में। लकड़ियां, लकड़ियां भी जातिवाचक संज्ञा में आएगी। भाववाचक संज्ञा में हमारा चुपचाप, हैरान, इसी तरीके से खुशी खुशी, मित्रता, ये सब आएगी हमारे भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा मधुर से क्या बनेगा? मधुरता। बुरा से बुराई, शत्रु से शत्रुता, बच्चा से बचपन, मूर्ख से मूर्खता, हरा से हरियाली, मित्र से मित्रता, जवान से जवानी। निम्न वाक्यों में भाववाचक संज्ञाएं भरिए। मैं व्यक्ति को सहारे की आवश्यकता होती है। किसमें सहारे की आवश्यकता होती है? बुढ़ापे में। जोकर को देखकर मुझे हंसी आ गई। वाणी में मधुरता हो तो सभी को अपना बनाया जा सकता है। भारत को दिलवाने के लिए हमें, भारत को आजादी दिलवाने के लिए अनेक वीरों को बलिदान देना पड़ा। तो ये आपकी संज्ञा की बुक एक्सरसाइज। पीछे देखते हैं हम और एक्सरसाइज दी हुई है, तो उसमें देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमें इस वर्ग पहले से छांटनी है। तो पहले हम नीचे वाला काम कर लेते हैं, नीचे वाली बुक एक्सरसाइज कम्प्लीट करते हैं, फिर हम आराम से इसको छांटते हैं। मैंने से काम किया, किस से काम किया? मैंने जिम्मेदारी से काम किया। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। आकाश में लालिमा फैल गई, मुझे बचपन की बातें याद आती हैं। तो ये थी आपकी बुक एक्सरसाइज। अब देखते हैं हम वर्ग पहली के अंदर, एक शब्द हमें मिला है मोहन। मोहन हमारा होगा जातिवाचक। नेक्स्ट देखते हैं अमिताभ, ये भी हमारा होगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा, ये महात्मा तो होगा लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई हमारा होगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखिए जातिवाचक में देखते हैं हम सिंह, सिंह हमारा हो गया जातिवाचक। लंबा, ये उसकी जाति हो गई, लंबा है वो, जातिवाचक में आएगा। नेक्स्ट रानी, जातिवाचक में आएगा।
चल मोती जातिवाचक में आएगा। नेक्स्ट देखिए भाववाचक में अपने दया, मिठास, सुंदरता, सुंदरता होता ये सुंदर है ये जातिवाचक में आएगा। मुस्कान भाववाचक में आएगा। लंबा से क्या बना शब्द लंबाई, तो ये अपने भाववाचक में आएगा। तो इस तरह हमारी संज्ञा की बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।